বেশ ঠান্ডা পড়েছে কিন্তু রে। গরম গরম চা হলে কিন্তু জমে যেত। যাই বল চা। চল চল মানে চা খেতে। আজকে আসানসোলের কিছু কিছু ভালো ভালো চায়ের দোকান এক্সপ্লোর করবো, আর কে কিরকম চা বানায় সব টেস্ট করাবো। তেরা ভাই আজ কি লাগা চ বলছিস? একদম চ, লেটস গো। सो वेलकम एवरी वन, डीसी फिल्म्स में आपका स्वागत है। और ये ऑफिशियली मेरा सेकेंड चैनल है और मैं ये हिंदी में बात कर रहा हूँ, और पहले का शॉर्ट बंगाली में था, ये थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि हिंदी मैक्सिमम लोगों को समझ में आता है, बंगाली बहुत जो है नॉन बंगालीज उनको समझ में नहीं आता, दैट्स वाई हम हिंदी में ये ब्लॉग करेंगे और आगे का भी ब्लॉग हिंदी बंगला मिक्स ही रहेगा। सो आज हम लोग आसनसोल का कुछ बढ़िया चाय का दुकान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं और मेरे साथ जा रहा है मेरा पार्टनर बिप्लव, एंड उसका एक यूट्यूब चैनल है, वो खुद इंट्रोड्यूस करेगा उसके यूट्यूब चैनल के बारे में। तो ये है हमारा बिप्लव दा। हे गाइस, सो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, ब्लॉगिंग मेरे लिए फर्स्ट है, मैंने कभी ब्लॉगिंग किया नहीं इससे पहले, सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, सो आई विल बी स्टार्टिंग द ब्लॉगिंग टुडे। कुछ अच्छी जगह मैं जानता हूँ, कुछ अच्छी जगह ये जानता है जहाँ जहाँ अच्छी चाय मिलती है। यहाँ पे अगर कुछ मिस हो जाए तो वो आप कमेंट्स में डाल देना कि यहाँ भी अच्छी चाय मिलती है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर लेंगे पार्ट टू में। सो लेट्स आवर ब्लॉग्स बिगिन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आप लोगों को दिखाते हैं आसनसोल का बेस्ट चाय कहाँ कहाँ मिलता है, उनका रिव्यूज़ जो एकदम सही रिव्यू होगा वही देंगे, जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा, जहाँ खराब है वहाँ खराब, जाते कि आपको ढूंढने का जरूरत ना पड़े इस मौसम में बढ़िया चाय का दुकान आसनसोल में। सो लेट्स बिगिन एंड वी बोथ आर टी पॉजिटिव, सो वी लव टी। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। तो अभी हम लोग आ गए हैं हम लोग का फर्स्ट चाय का दुकान में, जहां हम लोग अपना फर्स्ट चाय पीने वाले हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया चाय का दुकान है जो कि आपको हम लोग दिखाएंगे कि ये पड़ता है जो आसनसोल का जो मार्केट है, मेन मार्केट में जो कलकत्ता बाज़ार है, आपको दिखा देता हूँ। वो रहा कलकत्ता बाज़ार और इधर है आपका सिटी स्टाइल। बस सिटी स्टाइल का ऑपोजिट में पड़ता है इनका चाय का दुकान। सो ये बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं एंड आज हम लोग इनसे चाय पियेंगे और आपको बताएंगे कि इनका चाय कैसा है और कैसा ये बनाते हैं, मतलब इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। सीक्रेट मैंने एक बार पूछा था तो ये बताए नहीं थे, सो आज इनसे डायरेक्टली एक बार फिर से पूछते हैं। सो भैया का दुकान का चाय हम लोग अभी पियेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ भैया? प्रकाश बर्मन। तो भैया का नाम है प्रकाश बर्मन, हाँ बर्णवाल। अच्छा, प्रकाश बर्णवाल उनका नाम है एंड ये आप देख सकते हैं कि सिटी स्टाइल जो शॉप है, सिटी स्टाइल का ऑपोजिट में इनका शॉप है। तो बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं, तो देखते हैं ये कैसे पोर कर रहे हैं। ओह वाह, गर्मा गर्म चाय ठंडा में बहुत ही बढ़िया लगता है। एज यूजुअल मज़ा आ जाता है, मतलब इनका चाय इतना बढ़िया होता है। मेरे ख्याल से ये जो होता है एक मिट्टी का जो एक बड़ा सा मतलब एक होता है एक वेसल टाइप का, उसमें पहले दूध को बहुत देरी तक मतलब उबाला जाता है, उससे मेरे ख्याल से चाय बनता है। इसीलिए इसका टेस्ट इतना एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ जो एक टेस्ट होता है वो मिल रहा है, कि एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर जो कि एकदम मतलब वो बोलते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, तो अभी चाय भी ये डाउन टू अर्थ जैसा ही है। तो बहुत ही बढ़िया चाय है, बहुत ही बढ़िया चाय है। अब हम लोग निकलेंगे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। So
सो हम लोग आ गए हैं हम लोग का सेकंड चाय का दुकान में। ये भाई का सेकंड फेवरेट स्पॉट है, ये मेरा फेवरेट, मतलब ये मेरा लिस्ट अभी चल रहा है, इसका लिस्ट के बाद मेरा का लिस्ट चलेगा। तो इस इनका फेवरेट स्पॉट चल रहा है अभी। सो अभी चाय पियेंगे हम लोग, तो आ चुके हैं और पहले जगह दिखा देते कहाँ पे। ये पास में ही इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता था कभी, सो मेमोरीज है यहाँ पे बहुत सारी मेरी। तो दिस इज़ वन ऑफ माई नॉस्टैल्जिक प्लेसेस भैया। पर अगर आपको और मतलब एकदम प्रॉपर डेस्टिनेशन चाहिए तो ये जुबली पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं। ये जो जुबली पेट्रोल पंप है, जुबली पेट्रोल पंप का ठीक अपोजिट में इनका चाय का दुकान है। सो भैया बता रहे कि उनका स्पेशलिटी इस मटके में है जो मिट्टी का है, तो इसमें वो शायद पहले दूध को जो है कि उबाला जाता है बहुत बढ़िया से, एंड उसके बाद वो चाय पत्ती वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो उनका पर्सनल रेसिपी है जो मैं पूछूंगा नहीं। वो एक सीक्रेट रेसिपी है जो मुझे पूछना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो बिज़नेस का एक USB होता है हर बिजनेसमैन का। आपका नाम क्या हुआ? मिलन। अच्छा मिलन 500। ना आपका नाम, आपका नाम क्या है? मिलन। अपना नाम की? हमारा नाम भवेश दा। अच्छा भवेश दा, तो इनका नाम है भवेश, इनका नाम है मिलन, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। वाह यार ठंडा में ऐसा गर्मा गर्म चाय मिले तो बहुत ही बढ़िया है। और चाय पत्ते भी कुछ अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का यूज करते हैं शायद, क्योंकि इसमें टेस्ट जो है वो उससे थोड़ा बढ़िया ही है। इस जो ठंडा वेदर है अभी बाहर का, जो ठंडा हवा लग रहा है, कॉलेज लाइफ में बहुत बचपना किए थे हम लोग, 12 किलोमीटर गए थे चाय पीने के लिए कॉलेज लाइफ में। सो वो सब होते रहता था, पैदल गए थे हम लोग मोटा मोटी 4.5-5 किलोमीटर रात को चाय पीने के लिए। वहाँ हम लोग का एक दुकान था दुर्गापुर में, सो वो अभी फिर से रिकॉल कर रहे उस लाइफ को और इन्जॉय कर रहे ब्लॉगिंग। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट शॉप में। तो हम लोग आ गए, ये मेरे लिए स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, जो मेरे लिए फर्स्ट स्टॉप है। तो ये आता है BNR, एकदम BNR मोड पे है, रविंद्र भवन का अपोजिट में ही आता है ये स्टॉल, एंड बहुत फुटफॉल है यहाँ पे, देख ही सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ कितना भीड़ लगा हुआ है, बस चाय पीने का भीड़ देखिए। सो मैंने तो कभी पिया नहीं था यहाँ पे, तो भैया यहाँ से चाय पीने गए थे। फुटफॉल बहुत रहता है और फुटफॉल वहीं पे रहता है जहाँ चाय अच्छी है। सो यहाँ का चाय हम ट्राई करते हैं, इनको भी ट्राई करवाते हैं, चेक करते हैं कैसा है, बताते हैं कैसे टेस्ट कैसा लगा। और आपको लोकेशन में फिर से बता देता हूँ, आप देख सकते हैं ये है रविंद्र भवन जो कि BNR मोड़ पे है, ठीक है। ये रविंद्र भवन है जो BNR मोड़ पे है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बस रविंद्र भवन BNR मोड़ का ऑपोजिट में इनका चाय का दुकान है, जिनका नाम, जिसका इनका चाय का दुकान का नाम है विकास टी स्टॉल, ठीक है, विकास टी स्टॉल इनका दुकान का नाम है। भैया आपका नाम बता दीजिएगा। विकास गुप्ता। और आपका नाम भैया? राहुल चौहान। तो विकास गुप्ता नाम है इनका, विकास टी स्टॉल है इनका। तो अभी ये चाय देंगे, सो चाय अभी पोर करेंगे ये। चलिए सब गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा ही अलग है। अच्छा चलो, ये अभी चाय आ चुका है मेरा और ये रहा भैया का चाय। चाय आ चुका है अभी। ये जो चाय है ये सिमिलर टू है जो हम लोग पहला शॉप में पिए थे, डीसी फिल्म्स, चैनल का नाम डीसी फिल्म्स, और बगल में लिखिए देवजीत, DEVJEET।
सर्च कीजिए मिल जाएगा। सो यहाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे बहुत मेरे ख्याल से, मेरे और भैया दोनों के चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ने वाला है। एंड चाय, इनका जो चाय का टेस्ट है वो हम लोग जो पहला दुकान में पिए थे, फर्स्ट जो मेरा लिस्ट में था, उसके ऐसा सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है पर सिमिलर है। दोनों को रेटिंग अगर देना चाहे तो 4 पॉइंट इनको अगर देते हैं तो उनको 4 पॉइंट, मतलब इनको अगर 4.2 देते हैं तो पहला शॉप हम 4 देंगे, बस 0.2 का आउट ऑफ 5.2 का डिफरेंस देंगे क्योंकि सेम ही है, सिमिलर ही है। पर इनका जो देने का स्टाइल है वो भी अच्छा है और बहुत साफ़ सुथरा भी है, वो भी साफ़ सुथरा था पर उनका थोड़ा सा स्टॉल मुझे और थोड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा लगा। सो अभी फ़िलहाल ये कंप्लीट कर लेते हैं एंड फिर मूव करेंगे नेक्स्ट। चाय उधर बन रही है, कंटिन्यू वहाँ पर चाय बन रहा है और भैया बैठे हुए हैं उसको देख रहे हैं चाय जैसे बढ़िया बने। ये यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट चल रहा है मेरे ख्याल से। सो अभी चाय कंप्लीट कर लेते हैं और फिर भैया का नेक्स्ट जो लिस्ट में है वहाँ जाएंगे, वो थोड़ा डिटेल्स में बता देंगे आपको कि वो कहाँ जाने वाले हैं, नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं। नेक्स्ट भी आसपास ही है, चलिए चलते हैं, पहुँच के बताएंगे। थोड़ा लिस्ट फॉलो कीजिए एक एक करके, देखिए हम लोग अब पूरा व्लॉग। A few moments later. So, अभी हम भैया के लिस्ट का सेकंड शॉप में है जो कि एक अलग चाय का दुकान है जिसे आप लोग जानते होंगे तंदूर चाय का नाम से। सो दिस इज़ अ तंदूरी टी स्टॉल। सो यहाँ पर स्पेशलिटी है तंदूरी चाय। तो कैसे वो बनता है और क्या है तंदूरी चाय पूरा आपको दिखाएंगे, पूरा इसका एक वीडियो लेंगे हम जो सिनेमैटिक्स में आपको दिखेगा। एंड यू विल लव हाउ दिस टी इज़ बीइंग मेड, मतलब देख के पीने का मन कर जाएगा। तंदूरी चाय का बारे में शायद बहुत जनों को पता है वो मेकिंग, हाँ मतलब ये आसनसोल में पहले नहीं मिलता था जो हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, इनका मेकिंग दिखाएंगे। तो आप लोग तंदूर चाय शायद पिए होंगे तो आप लोग को प्रेफर करेंगे आप यहाँ भी आइए, ये भी ट्राई कीजिए। और एक तंदूर चाय का शॉप है जो हम लोग का नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा दूर में है, वो अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे। सो अभी देखते हैं कि इनका चाय ये कैसे बनाते हैं और प्रोसीड्योर वही सेम ऐसा है कि ना जैसे सब कोई बनाते हैं, टेस्ट कैसा है। सो एक्सपीरियंस, मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तंदूर चाय का, मुझे एक्सपीरियंस था नहीं। इम्पोर्टेंट टेस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेस्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो क्यों होगा। क्योंकि जो चाय पत्ती होता है उसका जो ब्लेंड होता है ना, वो जो ब्लेंडिंग होता है वो सबसे मेन होता है कि वो क्या क्वालिटी का है, वो कैसे बनाया जाता है, मतलब चाय पत्ती नहीं चाय कैसे बनाया जाता है, चाय पत्ती कैसे बनाया जाता है, अगर ढूंढने जाएंगे तो हो गया उसका खत्म हो जाएगा। और सो वो फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करना चाय पत्ती का और उसको मिक्स करके प्रेजेंट करना, वो एक आर्ट है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर लुकिंग ऑन माय बैक एंड यू आर स्टिल द सेम, आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाई यू कैन टेल द सेम, एंड आई नो व्हेन यू नो ऑल द थिंग्स आर मेड अस, माय फीलिंग्स फॉर यू डोंट गो, एंड आई नो व्हेन यू नो ऑल द थिंग्स आर मेड अस, आई सी हाउ टू। एंड ये आ चुका है कप। सो आप देख सकते हैं कि दिखने में तो ये नॉर्मल दूसरे चाय जैसा लग रहा है पर ये है मेन इसका टेस्ट। नहीं, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका थिकनेस इज़ मतलब आपको पता नहीं कितना समझ आएगा, बाकी जो चाय पिए उससे जो इसका जो, हाँ ये थोड़ा थिक है, ये थोड़ा थिक है, थोड़ा थिक बनता है और इसका टेस्ट अभी ट्राई करते हैं कैसा है। सो भैया का एक्सपीरियंस मेरा एकदम नहीं है इसमें, मैं सुना हूँ पर कभी पिया नहीं हूँ, तो चलिए पीते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। कसम से, कसम से मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, मज़ा आ गया, लव इट, आई स्टिल लव इट, जितना मुझे पहले अच्छा लगता था अभी उतना ही अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको दुकान का नाम दिखा देता हूँ जो कि दुकान का नाम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हेलो फ्रेंड्स तंदूर चाय, ठीक है। ये हम लोग का आसनसोल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का ठीक ऑपोजिट में है, या फिर कह सकते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड बगल में है, उसका एकदम बगल में है। सो बहुत ही फ्रेंड्स के साथ आइए, हेलो फ्रेंड्स में हेलो कीजिए और चाय पीजिए, और बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब ये थोड़ा फाँका फाँका इलाका है और रोड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रोड है, इस तरफ एकदम BNR सामने है, BNR जो ब्रिज या मोड़ कहते हैं। तो बहुत बढ़िया जगह, मूड एम्बियंस एकदम परफेक्ट है फॉर तंदूर चाय, और ये चाय यार लाजवाब। सो अभी पहले चाय इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट चाय का दुकान में, पर ये सबसे मस्त मुझे लगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला पर दिस इज़ द बेस्ट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चाय दुकान में।
A few moments later. So, अभी हम लोग जहाँ आए हैं ये भैया का लिस्ट है, भैया का लिस्ट में ये शायद सेकंड शॉप है तो इंट्रो भैया देंगे क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में. So this is one of my most favorite shop. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी वैराइटीज ऑफ चाय मिलती है एटलीस्ट मैंने और कहीं नहीं देखा है. मैं आपको दिखाऊंगा वैराइटीज कुछ देर में, लेकिन यहाँ पे आप अपनी चॉइस की चाय पी सकते हैं, जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, जो फ्लेवर चाहिए, ऑल फ्लेवर्स आर अवेलेबल ओवर हियर. सो आपको यहाँ पे कोई भी चाय मिल जाएगी एंड बहुत अच्छी मिलेगी. एंड इसी यहाँ लिखा भी हुआ है चॉकलेट स्ट्रॉबेरी. मेनू आपको दिखाते हैं, वेरिएशन आपको कुछ देर में दिखाते हैं. आप बाल कैसा हो गया हेलमेट? कोई बात नहीं, चलो ब्लॉग में वो दिखाते हैं आपको कुछ देर में, तो देखिएगा. और आप चूज करने के लिए ही इतनी बार आएंगे इस जगह पे कि हर बार एक अलग ट्राई करें कुछ, ये मेरी गारंटी है. सो मेनू थोड़ा दिखा देते हैं इनको. और भैया के लिए फर्स्ट टाइम है, सॉरी भैया के लिए ये सेकंड टाइम है मेरे ख्याल से, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है. मैं तंदूरी चाय तो पिया नहीं था अभी तक, मैं चाय लवर हूँ फिर भी तंदूरी चाय अभी तक पिया नहीं था. और ये तो वैरायटी चाय है. सो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मेनू है, मेनू में आपका है रॉयल केसरी है, चेन्नई स्पेशल मसाला ईरानी है, इलायची अदरक है, चॉकलेट वनीला, चॉकलेट रोज़ पान, अच्छा पान फ्लेवर का भी यहाँ पर मिलता है, नॉर्मल टी, तंदूरी टी, चॉकलेट स्मूथ फोम, स्ट्रॉबेरी स्मूथ फोम, ये क्या है, हॉट, अच्छा हॉट चॉकलेट भी है यार, मज़ा आ जाएगा. फ्रेंच फ्राई भी है. अच्छा यहाँ पे मैगी भी है, चीज़ मैगी, मसाला मैगी, फ्रेंच फ्राइज, पनीर पकौड़ा. अच्छा यहाँ पे सब मिलता है भाई. ये ओवरऑल मतलब आप देख सकते हैं शॉप का मतलब पूरा. ये आप देखिए, ये है यहाँ का वैराइटीज ऑफ टी, हर पे लिखा हुआ है. ये जी है पान वाला, ये रोज़ वाला है, चॉकलेट वाला है, चॉकलेट वैनिला है, ये क्या है, ये रॉयल केसरी है, ये चेन्नई स्पेशल तंदूरी इलायची अदरक, सुन के चेन्नई एक्सप्रेस का यार. और ये ईरानी है, ये हो गया मसाले का भंडार, मसाले और अंदर भी है यहाँ पे. और फिलहाल पहले दुकान दिखा देते हैं इनका. ये रहा इनका शॉप, इनका शॉप का नाम है टी बार, ठीक है. ये टी बार शॉप आपको ये बीसी कॉलेज के पास है. आप जनरली आपको लोकेशन ये है कि बीसी कॉलेज से अगर आप बोड़ाई रोड की तरफ जाते हैं तो आपको बीच में ये मिल जाएगा, जहाँ ये टी बार का नाम से है ये शॉप. मैं थोड़ा दूर से भी दिखा देता हूँ. तो बहुत ही बढ़िया शॉप, मतलब इतना अच्छा से ये क्लीन करके रखे हैं. बीसी कॉलेज और इसके पास जो पानी टंकी है वो उसके सामने ही है, इजीली दिख जाएगा आपको. ऑन रोड है, कोई मुश्किल नहीं होगा यहाँ पहुँचने में आपको. और अभी फिलहाल भैया से बात करेंगे और फिर देखेंगे उनका चाय बनाने का प्रोसीजर और फिर चाय पी के बताते हैं कि टेस्ट कैसा है. सो दादा तुम्हारा नाम टाइप टू बोलो. और नाम गोपाल घोष. हाँ तुम्हारा नाम गोपाल घोष. गोपाल घोष, अच्छा उन्हीं अपना साथ ऐसे बाबा. अच्छा बाबा होने अंकल, तुम्हारा नाम की स्वपन घोष. स्वपन घोष, अच्छा तो एकदम फादर और सन का रिलेशन है और दोनों मिलके शॉप रन कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से ये स्टार्टअप कह सकते हैं एक तरीके का, क्योंकि मैं भी एक स्टार्टअप पर्सन हूँ तो मुझे पता है कि स्टार्टअप में मेहनत लगता है और सबसे बड़ा है कि आइडिया लगता है. आपको सोचने का ज़रूरत पड़ता है कि आपको करना क्या है, ठीक है. क्योंकि एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टार्टअप, इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि हर जगह टी स्टॉल होता है, लेकिन एक जगह जहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स, इतने सारे वेरिएशंस मिल पाए आपको, ये एटलीस्ट मैंने तो देखा नहीं है और बहुत कम जगह पर देखा. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन आसनसोल एटलीस्ट. सो आसनसोल वाले प्लीज़ जो भी इसको देख रहे हैं ज़रूर यहाँ पे आके. आसनसोल में बहुत टैलेंट है यार, बहुत टैलेंट है. बहुत सारा स्टार्टअप करने का यहाँ पे उपाय है, पर बहुत जन डर के मारे नहीं करते हैं कि अगर नहीं काम करे आइडिया. सो डरिए मत, अपना स्टार्टअप पे लग जाइए, चाहे वो कोई भी, डर के आगे चाय है. चाहे वो कोई भी हो. आपको मेरा स्टार्टअप के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल्स बताएंगे. अभी दोनों मिलके पिएंगे. ये बात तो सच है, ये स्पेशली बना है हम लोगों के लिए और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ पीने में. मस्त है. पान फ्लेवर क्या है? रॉयल केसरी. अरे यार लवली. अभी फर्स्ट टाइम खेला सीरियसली. हमें यही टेस्ट आगे कौन खाई ना. मैंने कोलकाता तो अनेक चाय तो वगैरह खींची, तो वैरायटी देखी नहीं अभी तक. जितने दुकान घूम के आए हैं ये
जो लास्ट वाला था वो बेस्ट था, लेकिन ये उससे बेटर है भाई। सबसे पहले इसी दुकान में आ जाना, कहीं भी जाना हो तो पहले इसमें आना। ये उससे भी बेटर है, लास्ट जो पिए थे उससे भी बेटर यहाँ पे पिए। और पहले मेरा वीडियो देख के मेनू डिसाइड करना कि पीना क्या है और खाना क्या है, फिर आना, नहीं तो पागल हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ डिसाइड करने की जरूरत है नहीं, हर रोज आइए, एक नया फ्लेवर लीजिए, एक नया फ्लेवर ट्राई कीजिए और पी के जाइए, मजे लेके जाइए। ठीक है, ये मजे लेके जाइए, इट्स मतलब मजा आ रहा है ये पीने में। तो पी रहा हूँ, आप बोल लीजिए। दिस इज हेवन, ट्रूली हेवन यार। मजा आ गया, मेरा खत्म भी हो चुका है, मुझे तो और एक पीने का मन कर रहा है, पर अभी फिलहाल पियेंगे नहीं क्योंकि बहुत चाय हो चुका है। ऑलरेडी ऑलरेडी 5-6 कप पी चुके हैं। 5-6 कप, 7 कप, 7 कप हो चुका है, 7वां होने वाला है, और 7वां होने वाला है, 6 कप पी चुके हैं। तो इतना चाय भी, चाय पीना अच्छा है पर इतना भी नहीं। सबसे पहले अगर आपको आना है तो यहाँ आइए, फिर मजा आएगा। तो चलिए तब तक के लिए, अभी के लिए बाय, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शॉप। भैया आपका नाम थोड़ा बता दीजिए। सूरज टी। सूरज टी तो दुकान का नाम है, आपका नाम है? सूरज नाम है। अच्छा चलिए, तो भैया अच्छा चाय यहाँ बना हुआ है, तो चाय भैया पोर किए हैं, तो यहाँ भी इनका शॉप देखिए कितना एकदम बढ़िया से। और ये थोड़ा बड़ा शॉप है, और ये भैया का चाय बनता है यहाँ पे। सो इनका नाम हम बहुत सुने हैं, सो आज देखते हैं पी के कि कैसा टेस्ट है। ठीक है, और फुटफॉल देख लीजिए यहाँ पर कितने लोग आए हैं। थोड़ा भीड़ देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है। अरे ब्रदर हेलो, यहाँ पे खाली भीड़ देखिए कितना है। ये यहाँ का रोज का फुटफॉल है और ये चलता रहता है। ये बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा एरिया कम्पैक्ट है इसीलिए थोड़ा वीडियो लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, और फुटफॉल प्रॉब्लम ही मिलेगा इसमें, हमेशा इतना ही भीड़ रहता है। और क्यों रहता है वो चाय पीने के बाद इनको पता चलेगा, मुझे पता है। अच्छा, इनको पता। हाँ, वो तो जरूर है क्योंकि ये भैया का लास्ट है, भैया का लिस्ट में लास्ट। मेरे लोकल एटी में भी है और मैं यहाँ आता रहता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ का चाय कैसा है। इनको नहीं पता, इनको पिलाएंगे आज, इनको पता चलेगा कैसे कितनी अच्छी चाय बनती है। और चाय अच्छी बनती है तभी इतना फुटफॉल है, वरना चाय के स्टॉल पे इतना भीड़ नहीं देगा आपको एक टाइम में, ऐसे नहीं एक टाइम में। और ये तो मुझे लगता है डेली कस्टमर है, ये डेली कस्टमर है यहाँ पे, और दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो चाय लेंगे हम लोग, चाय लेंगे और पी के बताते हैं कि भैया का जो लिस्ट है उसका लास्ट का ये दुकान कितना राइज करता है, कितना स्टार्स आता है। तो आपको पहले दुकान दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये है सूरज टी स्टॉल, ये है आपका बनपुर बस स्टैंड है, ये बनपुर मेन बस स्टैंड है, बस उसका एकदम ठीक ऑपोजिट में है सूरज टी स्टॉल। और ये अभी जाएंगे भैया चाय अभी हम लोग को देने वाले हैं, इन लोगों को भी यहाँ चाय दिए, ये बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा आप लोग पिलाए, तो ये भैया है, ये भैया लोग इन लोगों को चाय पिलाए, तो ये बहुत बढ़िया काम किए, तो ये अच्छी बात है। सो अच्छा लगा भैया आप लोग से मिलकर, सो ये बहुत ही अच्छा बात है। और मैं भी इन लोगों को बोल रहा था थोड़ा देर पहले कि भीख मत मांगो यार, कोई काम आप लोग छोटे को काम मत करो, क्योंकि इनके पिताजी शायद काम करते हैं, तो भीख मांगना मेरे ख्याल से अच्छा बात नहीं है। हम लोग दे देते हैं ठीक है, पर छोटे बच्चे हैं इनको कुछ खिला पिला दो वो सही है, पर भीख नहीं मांगना चाहिए। हाय भाई, एक चाय का ज़्यादा दे लाइए भाई पैसा। अभी चाय आ गया है, भैया को भी चाय मिलने वाला है, यहाँ हम लोग का एक सब्सक्राइब भी हो रहा है चैनल। जैसे भैया ने बताया यहाँ पे 12 किलो चाय एक चाय बनता है, और चाय बचता नहीं है, इतना चाय बिल्कुल नहीं बचता है, मतलब इतना फेमस है, इतना लोग पीने आते हैं। कैसी है? और आप लोगों से कहना है जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डीसी फिल्म्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें। और इनका जो चैनल है उसका लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ रहेगा। इनका चैनल का नाम है BX वॉच टावर, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम लोग का दो और चैनल है जिसमें हम लोग टेक्निकल वीडियोज़ देते हैं, मेरा एक चैनल है डी इलेक्ट्रोड नाम से, इसमें मेरा जो अपना स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का है, उसका आपको सब कुछ वहाँ डिटेल्स मिलेगा उस चैनल में। मेरा अपना खुद का स्टार्टअप है, मेरा अपना कंपनी है, मेरा अपना टीम से मिलाएंगे, मेरा CEO वगैरह, और भैया भी उस टीम के एक मेंबर है। सो भैया हम लोग का मार्केटिंग देखते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग और बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी लाएंगे। सो वो एक डिफरेंट पार्ट हो गया सपोर्ट, वो चैनल देखिए आप सपोर्ट करेंगे, कंटेंट आएगा और बढ़िया कंटेंट आएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है, कंटेंट भी और प्रोडक्शन भी। उस चैनल में हम आप उसको मतलब साइकिल्स का डिटेल हम उस चैनल में देंगे, इस चैनल में ओनली ब्लॉगिंग का बात करेंगे। सो ये जो चाय मैंने पिया
बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब इसको हम लोग सेकंड में रखने वाले हैं क्योंकि चाय सच में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये सेकंड में जाने वाला है, मतलब ये भैया ने दावा कर दिया था पहले ही, तो ये हमको पता चल गया। जो जो हम लोग अर्थन फ्लेवर की चाय पी रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अगर 5 रेटिंग में जाएंगे तो जो वैरायटी चाय था टी बार उसको 5 में 5 मिलने वाला है। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि टी बार और यहाँ की चाय दोनों ही बढ़िया है, लेकिन टी बार में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो हाँ। वैरायटी के लिए मैं उसको नंबर 1 रखूँगा। और ये रेटिंग 5 है उसका, हाँ। ये सेकंड में आता है जिसका रेटिंग हम लोग देंगे 4.8 या 9 देंगे। 4.9 है सर। उसके बाद आता है तंदूर चाय जो हम लोगों ने BNR के पास पिया, उसका रेटिंग वही 4.5 के आसपास, ठीक है 4.5-4.6 मान के चलिए। एंड उसके पहले जो पिए थे जो शायद की स्टॉल का नाम चिन्ह विकास टी स्टॉल था, वो भी BNR के पास था, वो BNR रविंद्र भवन का ऑपोजिट में, उसको 4.23 देते हैं। और बाद बाकी जो पहले का था तीनों जो चाय का दुकान है उसको 4 रेटिंग देंगे, वो तीनों एक ही बराबर है, उनको 4 रेटिंग देते हैं। चाय वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, हर जगह ट्राई कीजिए, लेकिन अगर बेस्ट चाहिए तो बेस्ट दो जगह हम लोगों ने बता दिया है, एक टी बार और एक यहाँ पे, तो यहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। सो आप लोग जो भी चैनल देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हम लोग का चैनल, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता है। घंटी बजानी ज़रूरी है, घंटी बजेगा तब तभी आपको पता चलेगा कि चाहे वो घर का हो या यूट्यूब का हो, घंटी बजाना चाहिए, घंटी ज़रूरी है। तो मेरा चैनल DC Films D-Lect Plot को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनका चैनल BX वॉच टावर और वॉच टावर टेक, BX वॉच टावर एंड वॉच टावर टेक दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में आपको मिल जाएगा डिटेल्स। मेरे चैनल में इनका लिंक मिलेगा, इनके चैनल में मेरा लिंक मिलेगा, दोनों का चैनल में वीडियो में मिलेगा, और इंजॉय कीजिए और चाहे तो ज़रूर इंजॉय कीजिए, बिकॉज टी पॉजिटिव गाइस हाई फॉर यू एंड दिस इज द वीडियो जस्ट फॉर यू, टी पॉजिटिव गाइस एंड गर्ल्स जो टी पॉजिटिव। भैया का लिस्ट बहुत ही तगड़ा था, सो मेरा ब्लॉग में ये जो लिस्ट आने वाला था ये मुझे पता नहीं था, ये मेरा ऑफिशियली 3rd ब्लॉग या 2nd ब्लॉग कह सकते हैं, ठीक है। सो ब्लॉग अभी यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, एंड ऑब्वियसली मास्क पहना कीजिए। हम लोग जितना देर खाली वीडियो कर रहे हैं तब तक मास्क खुला रखे हैं, जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, पर ऑडियो का प्रॉब्लम होता है इसलिए मास्क खोल कर रखें, पर ऑब्वियसली मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, सेफ रहिए और ख्याल रखिए अपना सेहत का, एंड चाय पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए, तब तक चाय अलग ही समा बांधता है, सो समा बांधिए, चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू।